हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं 2013 का क्वेश्चन पेपर, और ये जो क्वेश्चन पेपर है जुलाई का है ये क्वेश्चन पेपर, और दूसरा प्रश्न पत्र है, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, और इसकी ये सेकेंड वीडियो क्लास है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड वीडियो क्लास है। तो चलिए आगे चलते हैं। 25 तक हमने प्रश्न कर लिए थे और आज ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं और करते हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर है, वैदिक कालीन वाण वाद्य में कितने तार प्रयुक्त होते थे। ठीक है, पहले अलग अलग तरीके से होता था, जैसे हिंदुस्तानी संगीत गायन वादन इस तरीके से अलग अलग आता था खंड बन के, 7, 9, 100 या 25 वाण वाद्य में कितने होते हैं तार, ये बताना है। सही आंसर है इसका सी, 100 होते थे। ठीक है, कितने होते थे, 100 होते थे, ये याद रखना। वाण वाद्य में 100 तार होते थे, प्राचीन कालीन वाण वाद्य में 100 तार होते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस ग्रंथ में राग के 13 लक्षण बताए गए हैं। बृहदेशी, संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र या संगीत परिजात। क्या है, देखो राग के 13 लक्षण होने चाहिए, लक्षण बताए गए हैं, तो वो बी है, संगीत रत्नाकर में बताए गए हैं। ठीक है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में राग के 13 लक्षण बताए गए हैं, ये याद रखना कि संगीत रत्नाकर में ग्रंथ में राग के 13 लक्षण बताए गए हैं। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंडित सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की थी, सारंगदेव इसके रचयिता है। ठीक है, इसमें नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना इत्यादि का विवेचन किया गया है। इसमें स्वराध्याय, राग, विवेकाध्याय, प्रकीर्ण अध्याय, प्रबंध अध्याय, वाद्य अध्याय, नृत्य अध्याय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें 264 रागों का वर्णन है। ठीक है, संगीत रत्नाकर में 264 रागों का वर्णन किया गया है। इन रागों का वर्गीकरण राग, उपराग आदि के आधार पर किया गया है। इसको सप्ता अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछ दिया जाता है कि सप्ता अध्याय किसको कहते हैं, तो संगीत रत्नाकर को कहते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं नेट के, वो मैंने सारे क्वेश्चन पेपर लगभग मैंने करवा चुका हूं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो नेट के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, नेट JRF के नाम से, सारे क्वेश्चन पेपर है उसमें, वो सारे आप जाके देखिए, विथ थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी भी है उसमें। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी करना चाहते हैं तो आप वो जाके आप जरूर देखें, और जितनी भी थ्योरी मैंने उसमें करवाई है आप देखोगे तो उससे आपकी, अगर आप TGT PGT के लिए तैयारी कर रहे हैं, LT के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी आपकी वहां से ही हो जाएगी। ठीक है, तो आप वहां पे जाके सारी वीडियोस देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, राग तरंगिनी ग्रंथ के लेखक पंडित सोमनाथ, पंडित लोचन, पंडित हृदय नारायण देव, पंडित श्रीनिवास। और अभी पहले दीपावली थी इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, फिर छठ पूजा आ गई तो उसकी वजह से वीडियो नहीं हो पा रही थी रेगुलर। अब रेगुलर वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सही आंसर है इसका बी, लोचन। पंडित लोचन जो है वो राग तरंगिनी ग्रंथ के रचयिता है। ठीक है, राग तरंगिनी ग्रंथ के लेखक पंडित लोचन मुनि है। यह ग्रंथ 15वीं शताब्दी की रचना, इसमें सर्वप्रथम प्राचीन राग रागनी पद्धति को छोड़कर ठाट पद्धति अपनाई थी। इन्होंने ही
प्राचीन जो राग रागनी पद्धति थी उसको छोड़कर ठाट पद्धति इन्होंने सबसे पहले अपनाई थी। 12 ठाटों को इन्होंने माना था, 75 राग को, ठीक है। ये भी इस ग्रंथ में निहित है। इसमें भरत का श्रुति स्वर सिद्धांत भी है, ठीक है। भरत का जो श्रुति स्वर है का सिद्धांत भी इसमें दिया गया है, तथा फारसी की 12 मुकाम पद्धति, अब 12 संस्थान पद्धति का निर्माण है, निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये तो 15वीं शताब्दी का एक तो ग्रंथ है। राग तरंगिणी के लेखक कौन है? लोचन है, ये भी याद आपको रखना है। उसके बाद आपको सर्वप्रथम इसमें ठाट पद्धति अपनाया था, राग रागनी को छोड़ के ठाट पद्धति को अपनाया गया था इस ग्रंथ ने, मतलब लोचन ने सबसे पहले अपनाया था, बृहदेशी में निहित है। अब 12 ठाट माने हैं लोचन जी ने, अब 75 राग माने हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब 12 मुकाम माने हैं, 12 संस्थान माने हैं। तो ये ही पूछा जाएगा, अगर लोचन के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। तो यही फायदा होता है अगर आप थ्योरी कर रहे हो, तो थ्योरी मतलब कि इस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपका सारा थ्योरी भी होता जाएगा, उससे बहुत फायदा मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उदांत स्वर किन गंधर्व स्वरों से संबंधित है? रेधा, पसा, मणि, नीगर। उदांत, इसका आंसर जो होगा रेधा होगा, सॉरी, इसका उदान स्वर नीग गंधर्व स्वर से संबंधित है। सामगान में केवल 3 स्वर उदांत के लिए होते हैं, ठीक है, अनुदांत के लिए स्वरित प्रयोग होता है, ठीक है। उदांत स्वर के लिए नीग गंधर्व स्वरों से संबंधित सामगान में केवल 3 स्वर उदांत, अनुदांत और स्वरित प्रयोग होता है। वैदिक काल में ही सामगान के वैदिक काल में ही सामगान 7 स्वरों में होने लगा था, ठीक है। उदांत के लिए नीग, अनुदांत के लिए रेध, अस्वरित के लिए सा, म, प, ठीक है। अब ये किस तरीके से इन्होंने बताया है ये भी मैं बता देता हूं कि स्वरित के जो स्वरित है इसमें देखो इन्होंने 4-4 श्रुति ली है, ठीक है, 4-4 श्रुति वाले, मतलब कि सा को कितनी श्रुति दी गई है? 4, म को कितनी दी गई है? तो 4, और प को कितनी दी गई है? 4, 4-4 श्रुति वाले, स्वरित को सामा प दे दिए, 4-4 श्रुति वाले, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से श्रुति व्यवस्था थी ये देख लीजिए आप, इस तरीके से थी ना, तो ये 4, ये 4, ये 4, मतलब कि सा, रे, ग, म, प, ध, रे, नी, ठीक है। तो इसमें सा, म, प, इन तीनों को 4-4 श्रुति दी गई है, तो इसलिए सा, म और प ये स्वरित के अंदर आ गया, ठीक है। अब रेधा जो है, रेधा को क्या रे और धाई क्यों लिया गया अनुदांत में? क्योंकि रेधा की 3-3 श्रुति है, देखो रे की कितनी श्रुति है? तो 3 श्रुति है, और ध की 3 श्रुति है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, 3-3 श्रुति वाली, 3-3 श्रुति वाले इन्होंने ले लिए। उसके बाद जो उदांत है उसमें इन्होंने क्या किया, 2 श्रुति वाले ले लिया, ठीक है, उदांत में 2 श्रुति वाले इन्होंने ले लिया। कौन कौन सा लिया है? एक तो नी और ग, देखो ग की कितनी श्रुति है? 2, और नी की 2, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने किया है, ये आपको याद रखना है इस तरीके से। तो किस तरीके से ये प्रयोग होता है, उदांत, अनुदांत और स्वरित, स्वरित तीन है होता है ना, तो याद आप सीधे रखना, उदांत में 2 स्वर वाले, 2 श्रुति वाले, अनुदांत में 3 और स्वरित में 4, इस तरीके से याद रखना, 2-3-4, ये हो जाएगा उदांत, ये अनुदांत, ये स्वरित। क्यों होगा? क्योंकि ये 2 श्रुति वाले, ये 3 श्रुति वाले और ये 4 श्रुति वाले, ये आपको याद रखना होगा कि आपको किस तरीके से याद रखना है। वो याद रखने का मैंने आपको एक तरीका ही बता रखा है, आप सिर्फ 432 याद रखें,
श्रुति किसको कितनी श्रुति दी गई है इस तरीके से 432 लिख दें और एक और 432 लिख दें, दो लिख दिया आपने 432, बीच में चार लिख दें, ये हो गया आपका किसको कितनी श्रुति मिली है आपको इससे पता चल जाएगा षडज़ग्राम के अनुसार। ठीक है, ये साकी, ये रेकी, ये गाकी, ये माकी, ये पाकी, ये धाकी, ये नीकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामवेद में कितनी भक्ति है, 4, 6, 5, 7। सही आंसर इसका सी होगा, 5 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्टाफ नोटेशन में प की स्थिति लेजर लाइन से किस लाइन पर होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सही आंसर इसका बी, दूसरी। ठीक है, स्टाफ नोटेशन में प की स्थिति लेजर लाइन से दूसरी लाइन पर होती है, स्टाफ पद्धति में स्वरों को दर्शाने के लिए अंडाकार चिन्ह होता है इस तरीके का। ठीक है, सभी स्वरों को इसी के माध्यम दर्शाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है, चिन्ह आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, आप देख लीजिए अच्छे से, निम्न श्लोक किस ग्रंथ से उद्गृत किया गया है, मतलब किसका, कौन से ग्रंथ से लिया गया है। वीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारद तालज्ञ श्रवा प्रयोग सेन मोक्षा मार्ग निगच्छति। ठीक है, बृहदेशी यज्ञवल्क्य श्रुति वाक्य दिए या संगीत मकरन। सही आंसर है इसका बी। ठीक है, वीणा वादन ये जो श्लोक है ये यज्ञवल्क्य स्मृति से लिया गया है। ये श्लोक इस स्मृति के नारद वासना की विलक्षण महिमा बताई गई है, उनका कहना है कि श्रुति जाति ताल वीणा आदि है। ठीक है, नादों की उपासना की विलक्षण महिमा बताई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, राग भूपाली में रे और ध कोमल करने से कौन सा राग बनेगा। राग भूपाली में अगर रे और ध कोमल कर दिया जाए तो कौन सा राग बन जाएगा, भैरवी, विभास, तोड़ी, कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी, विभास बन जाएगा। ठीक है, राग भूपाली में रे और ध कोमल करने से विभास बनेगा। राग विभास यह भैरव ठाट का राग है, जाति इसकी औड़ा औड़ा है, इसके आरोह तथा अवरोह में मानी वर्जित है और वादी ध संवादी रे न्यास के स्वर प ध सा गायन समय दिन का प्रथम प्रहर और संप्रकृति राग इसका कौन सा है, तो रेवा है। ठीक है, आपको एक चीज मैं और बता दूं, देखो जो राग के क्वेश्चन है वो आ जाते हैं नेट के पेपर में। ठीक है, लेकिन आप देखोगे राग तो सिलेबस में है ही नहीं, आप जब सिलेबस उठाओगे नेट का तो आप उसमें देखोगे राग के नहीं है। राग का मतलब की जो यूनिट दी गई है जितनी भी इकाई दिए गए हैं 10 दिए गए हैं तो उसमें आप राग का कुछ देखोगे नहीं। तो अब ऐसे में बात आती है कि राग के क्वेश्चन तो आते हैं तो आपको क्या करना है, ऐसे में कौन से राग उठाने हैं, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप फिफ्थ और सिक्स ईयर के राग देखोगे। ठीक है, और अपने एमए के राग देखोगे। ठीक है, इन चारों के आप एमए के टाइम में आपके जो जो राग रहे हैं वो आपको राग लेने हैं, और फिफ्थ और सिक्स अगर आपने प्रभाकर किया है, फिफ्थ सिक्स ईयर में जो राग रहे हो वो लेना है। अगर आपने प्रभाकर नहीं किया है, आपने बीए म्यूज किया है या बीए म्यूजिक ऑनर्स किया है, तो आप थर्ड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकेंड ईयर, इन तीनों में जितने भी राग हो उसकी प्रिपरेशन आप करना, उससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर आप सारे ही राग कर लो तो फिर तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपको मैंने बता दिया सबसे ज्यादा तो एमए के पूछे जाएंगे राग। जैसे जय जयवंती,
ये कुछ ऐसे राग होते हैं जैसे जय जयवंती, इससे क्वेश्चन आता ही आता नाइट में, तो ये आप जरूर कर लें जय जयवंती को लेके, है मारवा, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, मधुकोश, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, सबसे ज्यादा मारवा होता है। सबसे ज्यादा आप कोशिश करें जितने भी सिंधी प्रकाश होते हैं और जितने भी एक और होते हैं ना उससे, जितने भी परमेल प्रवेशक जितने भी होते हैं, ये जितने भी होते हैं उसको अच्छे से कर लें कि उससे क्वेश्चन बन के आते हैं। ये भले ही क्वेश्चन ना आए कि परमेल प्रवेशक कौन सा है या सिंधी प्रकाश कौन सा है, हाँ वो जो राग है उससे अलग क्वेश्चन बन के आ जाता है ज्यादातर, तो वो क्वेश्चन आप सब जरूर करें अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, मुल्तानी राग के ऋषभ धैवत को शुद्ध करने से कौन सा राग बनता है, गुजरी, मधुवती, बिहाग या मारू बिहाग। सही आंसर है इसका, सही आंसर है इसका बी, मुल्तानी राग के ऋषभ धैवत को शुद्ध करने से मधुवंती राग बनता है। मधुवंती तोड़ी ठाट का राग है, इसके आरोह में रेधा वर्जित होने के कारण इसकी जाति औड़व संपूर्ण है। न्यास के स्वर ग प गायन समय दिन का तीसरा प्रहर है, संप्रकृति राग मुल्तानी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मियां मल्हार तथा सारंग के संयोजन से सृजित राग कौन सा है, जयंत मल्हार, नट मल्हार, मियां की सारंग, शुद्ध सारंग। देखिए इसका सही आंसर होगा सी, मियां की सारंग। ठीक है, तो सही आंसर होगा सी, मियां की सारंग। मियां मल्हार तथा सारंग के संयोजन से मियां की सारंग राग बनता है, मियां की सारंग, यह काफी ठाट का राग है। जाति इसकी साड़ा साड़ा, वादी रे, संवादी प, इसके आरोह तथा अवरोह में ग वर्जित है। न्यास के स्वर सारे प गायन समय मध्यांतर का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, दोनों गंधार से निर्मित औड़व राग, जोग, भोपाली, देशकार या जोगिया। देखो जब भी आपको कंफ्यूजन होती है किसी भी क्वेश्चन में तो सबसे पहले वहां पे नॉमिनेट वाला सिस्टम अपनाओ, नॉमिनेट करो, मतलब कि आपको लगता है कि जैसे भोपाली नहीं है तो उसको नॉमिनेट कर दो, तीन बचे उसमें से देखो कौन सा, ये नहीं है तो उसको नॉमिनेट कर दो, तो फिर आप देखो, है सबसे पहले नॉमिनेट करना सीखो, नॉमिनेट करो उसके बाद। इसलिए हमेशा जो भी आपके पास बुक्स हैं, हमेशा मैंने बुक्स के बारे में आपको बता रखा है, एक और फिर से बता देता हूं मैं आपको, मैं हमेशा अलग से भी मैं नहीं बनाता वीडियो, क्योंकि मैं उसी में बहुत कुछ मैं आपको बता देता हूं। बुक्स के लिए मैं आपको बता देता हूं, बुक्स के लिए वैसे मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, वो भी आप देख सकते हैं अलग अलग वीडियो, लेकिन कि कोई भी आपको एग्जाम पास करना हो जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, उसके अलावा आपका जितने भी अलग से फॉर्म जो निकलते हैं जैसे एलटी ग्रेड के हो गए, हाँ नेट का हो गया, नेट जेआरएफ के लिए हो गए, इन सब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन सब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको एक बुक जरूर पढ़नी है, वो है राग परिचय। ठीक है, राग परिचय आपको जरूर पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़नी है राग परिचय। राग परिचय के चार पार्ट हैं, वो चारों आपको लेनी है, जिसकी जो फ्रेशर है, जो मतलब कि जिसको थ्योरी में भी कुछ नहीं आता,
तो सबसे पहले वो राग परिचय ही पढ़े, जिसको थोड़ा बहुत आता है वो भी राग परिचय पढ़े। राग परिचय होने के बाद ही आप दूसरी बुक्स को हाथ लगाएं। मेरी आप माने तो मेरी ये फुल एडवाइस है आपको कि अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप कोई बुक उठा के देखो तो वो राग परिचय उठा के देखो। ठीक है, राग परिचय जो चारों है उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं राग परिचय से, सबसे ज्यादा थ्योरी इसकी मानी जाती है। बहुत सारे बुक्स में होते हैं ना, म्यूजिक की बुक्स में आप अगर ज्यादा देखोगे तो चीजें डिफरेंट होती है, इसमें कुछ लिखा रहेगा, उसमें कुछ लिखा रहेगा, उसमें कुछ लिखा रहेगा, तो बोर्ड भी ज्यादा इसकी वैल्यू देती है। ठीक है, गवर्नमेंट बुक है ये और बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू है और बहुत अच्छी बुक है। तो ये चारों सबसे पहले आपको करना है राग परिचय। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है अरिहंत की बुक। ठीक है, आपको नेट की आती है अरिहंत की बुक म्यूजिक की। ठीक है, उसमें ना सब कुछ इकाई के हिसाब से दिया गया है, सारा सिलेबस है उसमें। अब आप ये कहोगे कि ये तो सिर्फ नेट के लिए हो गया, जेआरएफ के लिए हो गया, नहीं, ये टीजीटी के लिए भी हुआ, पीजीटी के लिए भी हुआ और एलटी ग्रेड के लिए भी हुआ। आपको अगर इनमें से कोई सी भी एग्जाम पास करनी है तो आपको बस ये चारों बुक, एक तो राग परिचय की चारों बुक और अरिहंत की ये बुक जो है, ये आप सबसे पहले लें और इसकी अच्छे से पढ़ें, उसका नोट्स बनाएं अच्छे से और उसी को आप पढ़ें। ठीक है, फिर आप अच्छे से, अब कोई भी बुक आप लिए जा रहे हो कि नहीं ये एमए के लिए अलग बुक है, ग्रेजुएशन के लिए आपने अलग बुक ली, एमए के लिए अलग बुक ले ली, आपके पास ढेर सारी बुक लगाए जा रहे हो आप, तो उससे कोई आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि अब एलटी ग्रेड की एग्जाम आने वाले हैं, तो आप ये सोच रहे हो अगर कि एलटी ग्रेड का एग्जाम आने वाला है तो जो बुक आएगी वो ले लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। एलटी ग्रेड की आप अगर बुक आप अलग से भी ले लेते हो तो उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। जैसे मार्केट में, क्योंकि मार्केट का काम क्या होता है, सेल करना बुक को, तो जैसे ही कोई भी एग्जाम आता है ना, जैसे कोई भी फॉर्म निकले तो उसी का बुक निकाल देते हैं, तो वो बुक्स अच्छी नहीं होती है। तो जो सबसे अच्छी बुक्स होती है वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद मैनुअल है, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, लेकिन आप सबसे पहले यही पढ़े। उसके बाद अगर आप किसकी राइटर की बुक पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर तेज सिंह टॉक की जो बुक है वो अच्छी है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर तेज सिंह टॉक। ठीक है, ये मैं हाथ से लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा इसके लिए एक अलग से कुछ लेना पड़ेगा। डॉक्टर तेज सिंह टॉक की बुक है, ये अच्छी है इनकी, मतलब कि आपको सुबोध संगीत शास्त्र। ठीक है, सुबोध संगीत शास्त्र की बुक है, नेट के लिए अलग से है एक इसमें बुक, और सुबोध संगीत शास्त्र इसकी दो पार्ट है, तो ये भी अच्छी बुक है। अगर आप ये लेना चाहते हैं इन दोनों के बाद तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आपको लेना कौन सा है वो मैंने आपको बता दिए। चलिए देखिए, इसका सही आंसर होगा ए, जोग। इसमें दोनों गंधार का प्रयोग किया जाता है, कैसे देखते हैं। दोनों गंधार से निर्मित औड़व राग जोग है, राग जोग यह खमास ठाट का राग है, वादी प है, संवादी सा है। दोनों गंधार का प्रयोग किया जाता है, दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है जोग में, याद रखना दोनों गंधार तथा दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है, तो ये जोग आप अच्छे से करना। हाँ, क्योंकि इसमें यही डिफरेंट चीज है कि दोनों गल लगते हैं, दोनों नी लगते हैं। इसके आरोह तथा अवरोह में रेधा वर्जित होने के कारण जाति इसकी औड़व औड़व है। कौन से दो चीज वर्जित है, रेधा, रे धा दोनों ही वर्जित है। न्यास के स्वर पसा गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है, असम प्रकृति के जो राग है वो तिलंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कोमल गंधार की आंदोलन संख्या है 248, 258, 268, 288।
सही आंसर है इसका डी 288। ठीक है, कोमल गंधार की आंदोलन संख्या 288 है। भारतीय स्वर सप्तक की स्वर संख्या 240 से स्टार्ट होती है, याद रखना। फिर रेकी 254, फिर 2/17, फिर रेकी है 270, मतलब कोमल रेकी भी बताई है, फिर शुद्ध रेकी बताई है। उसके कोमल मतलब कोमल स्वर की कम पूछी जाती है, ज्यादातर शुद्ध की पूछी जाती है। म की 320 हो गई, प की 360 हो गई, ध की 400 हो गई, 405 हो गई, और नी की आपकी हो गई शुद्ध नी की, ये देखिए 454, और सा की होगी 480। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, निम्न में से कौन सी माइनर कॉर्ड है? सा ग प, ग प नी, सी का हो गया तीव्र म ध और तार सप्तक का सा, और डी हो गया प नी और तार सप्तक का रे। सही आंसर हो गया इसका सी पनी दे, मतलब कि डी। ठीक है, यहां पे मिस्टेक हुई है, यहां पे सी नहीं होगा, डी होगा ये। ठीक है, तो पनी दे माइनर कॉर्ड है ये, प फिर शुद्ध नी और फिर दे, माइनर स्केल। जब किसी मेजर स्वरांतर को 1 सेमी टोन कम कर देते हैं तो वह माइनर स्वरांतर कहलाता है। माइनर कॉर्ड के स्वरों को क्रम से रखने पर बीच के स्वर कोमल करने पर माइनर कॉर्ड बनते हैं। पश्चात संगीत में माइनर स्केल उत्तर भारत के आसावरी ठाट के समान है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पर। उस्ताद मुश्ताक अली खां कितने पर्दों वाले वाला सितार बजाते थे? 16, 18, 17 या 19? सही आंसर है सी 17। ठीक है, उस्ताद मुश्ताक अली खां 17 पर्दे वाला सितार बजाते थे। इनका जन्म बनारस में बनारस 20 जून 1911 में हुआ था। इनका जो जन्म था 20 जून 1911 में हुआ था। इनको 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 21 जुलाई 1989 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भारतीय शास्त्रीय सितार सुरबहार और पखावज के में महारत हासिल इन्होंने कर रखी थी। ठीक है, मुश्ताक अली खान जो है वो उन्होंने शास्त्रीय संगीत में सितार सुरबहार और पखावज में महारत हासिल कर रखी थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, सितार की जोड़ी के तार पर अटी अथवा अटक से पांचवें पद पर कौन सा स्वर होता है? कोमल ग, म ग, तीव्र म। सही आंसर है इसका बी म। भी आंसर सही है। सितार की जोड़ी पर अटी अथवा उटक के पांचवें पद पर म स्वर होता है। सितार वादन के क्षेत्र में मसीद खां, वादन के क्षेत्र में कौन है? सितार के क्षेत्र में मसीद खां, रहीम सेन, अमृत सेन त्रिमूर्ति माने जाते हैं। इसमें पर्दों की संख्या 23 के स्थान पर 19 कर दी तथा सितार में
सर्वप्रथम तरबे जोड़ दी। सितार वादन में मीड तोड़ा तो झाला वादन आरंभ करने का श्रेय विलायत खां को जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन से कलाकार सितार वादक नहीं है? ए मुश्ताक अली खां, बी इमदाद खां, सी अब्दुल हलीम जफर खां, डी अली अकबर खां। सही आंसर इसका डी है, अली अकबर खां। अली अकबर खां सितार वादक नहीं है। अली अकबर खां का जन्म 14 अप्रैल 1922 को सिपुर बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये महान सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, ये सरोद वादक थे और अलाउद्दीन खां के एकमात्र पुत्र थे। इन्होंने कई नवीन रागों की रचना की जिसमें चंद्र नंदन, गौरी मंजरी, ये पूछा जाता है गौरी मंजरी, लाजवंती पूछा जाता है, मिश्र शिवरंजनी, भूपमाड़ आदि, माधवी आदि। अली अकबर को अमेरिका सरकार की ओर से मैक अर्थ फाउंडेशन फेलोशिप मिला। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण सम्मान अलंकार से सम्मानित किया गया है। तो दो चीज याद रखना, पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, और इनके द्वारा जो राग है वो अलग से आप लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा है। एक तो चंद्रनंदन, गौरी मंजरी, लाजवंती, मिश्र शिवरंजनी, भूपमाड़ अमाधवी। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा ये पूछा जा सकता है, ज्यादा चांस है ये पूछा जाए कि अली अकबर के द्वारा कौन से राग बनाए गए हैं। ठीक है, ये रचना की गई है। ये आपको सूची एक है, सूची दो है कि मदों को सुमिलित करना है। सूची एक में दे रखा है जैसे ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा, कवाली, सूची दो में धुमारी, पंजाबी, दीपचंदी, चौताल। और ये आपको मैं कुट दिखा देता हूं अच्छे से, ये आप कुट देख लीजिए और मिलाइए। ऐसे क्वेश्चन में एक सही होता है, एक सही कर दिया आपने, एक भी आपको पता है तो आपका क्वेश्चन 70% ठीक हो जाता है। दो आपने को पता है तो आपका क्वेश्चन 100% ठीक हो जाएगा। देखिए सही आंसर इसका क्या है, इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, ए का हो जाएगा 4। ध्रुपद कौन से ताल में गाई जाती है, तो चौताल में गाई जाती है। बी का हो जाएगा 3। ठुमरी किस में गाई जाती है, तो दीपचंदी में गाई जाती है। और सी का हो जाएगा 2। टप्पा पंजाबी ताल में गाई जाती है। और कवाली किस में गाई जाती है, धुमाली में गाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मिलाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, आचार्य भरत ने पुष्कर संज्ञा किस श्रेणी के वाद्यों को दी? घनवाद्य, सुशीर वाद्य, अवनध्यवाद, तत्वाद्य। इंपॉर्टेंट है और ये, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन पेपर कर लो नेट के, जो जितने भी लोग नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे क्वेश्चन पेपर कर लो। अगर आप क्वेश्चन पेपर भी सारे करके चले जाओगे ना, आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, भले ही सारे क्वेश्चन पेपर करके चलेगा, आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। सही आंसर है इसका सी, अवनध्यवाद्य। ठीक है, आचार्य भरत ने पुष्कर संज्ञा
किस श्रेणी के वाद्य को दी है? तो अवनद्य वाद्य को दी है। आचार्य भट्ट ने पुष्कर संज्ञा अवनद्य वाद्य को दी है। अवनद्य वाद्य में आ जाएगा तबला, मृदंग, पखावज, ढोल, ढोलक, नगाड़ा, खंजरी इत्यादि। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है। किराना घराने की किस गायिका के नाम पर कर्नाटक राज्य में गुरुकुल की स्थापना की गई है? रोशन आरा बेगम, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ोतकर या सरस्वती बाई राणे? आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे ये जितने भी हैं ये सारे नेट में दिए गए हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। रोशन आरा बेगम ये नेट के सिलेबस में है, गंगूबाई हंगल ये भी नेट के सिलेबस में है, हीराबाई बड़ोतकर तो ये भी नेट के सिलेबस में है, तो ये सब आपको पढ़ना है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल किराना घराने की गायिका के नाम पर कर्नाटक राज्य में गुरुकुल की स्थापना की गई थी, ठीक है। गंगूबाई हंगल किराना घराने की गायिका के नाम पर कर्नाटक राज्य में गुरुकुल की स्थापना की गई है। गंगूबाई हंगल का जन्म 1913 में दक्षिण भारत के धारवाड़ नामक स्थान पर हुआ था। इसके गुरु, इनके जो गुरु थे वो राम भाई कुंदोलकर जी हैं। महिला गायिकाओं में इनको अति उच्च स्थान प्राप्त था। इनका कंठ स्वर गुरु के समान होने के कारण इनको मर्दाना गायिका कहा जाता था। ये भी याद रखना, इनको मर्दाना गायिका कहा जाता था। काफी बार इनसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित में से गलत जोड़ी का चुनाव करें, ठीक है। एक तरफ दिया गया है आपको तानसेन समारोह, सवाई गंधर्व संगीत समारोह, डोवर लेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, त्यागराज फेस्टिवल। इसमें कौन सा गलत है वो आपको चुनना है। देखिए सही आंसर है इसका सी, डोवर लेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस गोवा से, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित राग जोड़ियों में से किस राग जोड़ी का आरोह समान है? ए है मियां मल्हार, भोपाली तोड़ी, मियां की तोड़ी, यमन कल्याण। दूसरी तरफ आपको दिया गया है बहार, विलास खानी तोड़ी, मुल्तानी, पूरिया कल्याण। सही आंसर इसका बी, ठीक है। भोपाली तोड़ी और विलास खानी तोड़ी, ठीक है। भोपाली तोड़ी और विलास खानी तोड़ी राग जोड़ी का आरोह समान है। विलास खानी तोड़ी के बारे में बता रहा हूं, भैरवी ठाट का राग है, जाति साड़प संपूर्ण है, वादी ध है, संवादी क है, दोनों कोमल है। इसके आरोह में म वर्जित है, न्यास के स्वर ग प ध ग ध इसमें कोमल होंगे, ठीक है। गायन समय जो है दिन का। दूसरा प्रहर है भोपाली तोड़ी के बारे में बता रहा हूं, भैरवी ये ठाट का है, जाति औड़व औड़व है, वादी ध है, संवादी क है। इसके आरोह अवरोह में
मानी वर्जित है, गायन समय प्रात काल है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सारणा चतुष्टयी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मतंग, सारंगदेव, भरत या श्रीनिवास? भरत आंसर इसका सही है। ठीक है, भरत आंसर इसका सही होगा। सारणा चतुष्टयी का सारणा चतुष्टयी का प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया है। भरत मुनि ने सारणा क्रिया निम्न प्रकार से की। भरत के अनुसार, ठीक है, भरत के अनुसार सबसे पहले दो वीणाएं ले जिनका प्रमाण नाप एक जैसा हो, इन्हें ध्रुव तथा चलवीना कहा है। यहां पे जो हमने किया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, संगीत सुधाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? सिंह भूपाल, विधारणे स्वामी, फकीरुल्ला, वासुदेव शास्त्री? सही आंसर है ए, सिंह भोपाल। संगीत सुधाकर ग्रंथ के लेखक सिंह भोपाल जी हैं। यह 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत के प्रथम बार उल्लेख मिला है। ठीक है, ये याद रखना, सारा ही इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ में नाट्य रस, प्रबंध, गायन, गायक, लक्षण इत्यादि विषयों का विवेचन है। विधारणे स्वामी संगीत सार, फकीरुल्ला राग दर्पण, वासुदेव शास्त्री संगीत शास्त्र से संबंधित है। तो आपको याद रखना कि संगीत सुधाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? सिंह भूपाल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कौन है? सिंह भूपाल है। और ये 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम ग्रंथ हिंदुस्तानी कर्नाटक संगीत का प्रथम बार उल्लेख इसी ग्रंथ में मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, राग दर्पण के लेखक कौन है? श्रीकंठ, दामोदर, फकीरुल्ला या भावभट्ट? देखिए इसका सही आंसर होगा सी, फकीरुल्ला। ठीक है, राग दर्पण के लेखक फकीरुल्ला है। ठीक है, अब राग दर्पण फकीरुल्ला ने इस ग्रंथ को 1666 ईस्वी में मान कुतूहल का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, किसका? मान कुतूहल का फारसी अनुवाद किया था, राग दर्पण के नाम से फकीरुल्ला ने किया था। अब देखिए क्या है, श्रीकंठ, राग कौमुदी ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। संगीत साहित्य वर्ण कुल 10 अध्यायों में किया गया है। इसमें उत्तरी संगीत का वर्णन है, जबकि शुद्ध सप्तक मुखारी कहा गया है। इस ग्रंथ के 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वर कुल मिला के 14 स्वर माने गए हैं। इसमें 11 मेलों का अंतर्गत 37 राग
इन्होंने बताए हैं श्री कंठ ने। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, विमल कांत राय चौधरी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? ए प्रणव भारती, बी संगीत समय सार, सी कलानिधि या डी भारतीय संगीत कोश। सही आंसर है इसका डी भारतीय संगीत कोश। ठीक है, विमल कांत राय चौधरी के द्वारा लिखित ग्रंथ भारतीय संगीत कोश है। प्रणव भारती ओमकार नाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है और संगीत समयसार पार्श्व देव के द्वारा लिखा गया है के द्वारा कलानिधि कल्लीनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ है। ठीक है, तो विमल कांत राय चौधरी के द्वारा लिखित ग्रंथ भारतीय संगीत कोश, प्रणव भारती ओमकार नाथ ठाकुर से के द्वारा लिखा गया है, संगीत समय सार पार्श्व देव के द्वारा, कलानिधि कल्लीनाथ द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। ये पूरी तरीके से ये क्वेश्चन पेपर जो है वो हो गया है और ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है, जुलाई का 2013 का क्वेश्चन पेपर सेकंड क्वेश्चन पेपर था और इसकी ये लास्ट वीडियो क्लास थी और ये पूरी तरीके से क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसकी दो वीडियो क्लास है, एक में मैंने 25 करवाए क्वेश्चन, इसमें 25 कराए, पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर हो गया है और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम का नाम भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। किसके नाम से है? ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का, वहां पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। वरना आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पे आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी आप वहां पे सर्च करेंगे ऑल म्यूजिक एग्जाम तो आ जाएगा, वहां पे 500 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। वहां पे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन, कोई भी चीजें आती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है, जितनी भी प्राइवेट जॉब आती है, जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, सारी चीज को, कुछ भी क्वेश्चन होता है वहां पे आप पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट करके आप अगर पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वहां से पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी को बस एक ही चीज करना है और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए कोई भी फी नहीं है, नो फी, कोई भी फीस नहीं है वहां पे। और आप बस चैनल को शेयर जरूर करें अपने ग्रुप्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी लोग आप जानते हैं वहां पे आप शेयर करें ताकि ज्यादातर लोगों के पास ये क्वेश्चन पेपर पहुंचे। और मैं बहुत जल्दी नेट का एग्जाम होने से पहले ही मैं एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के लिए स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, एलटी ग्रेड की तैयारी मैं स्टार्ट करवा दूंगा नेट का एग्जाम होने से पहले ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।